हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो जीके सीरीज चल रहे हैं वो पार्ट 4 है, जो नेवी MR SSR और डबल ए और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है कि खेल से संबंध स्थान और स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम किए क्या है कि एक तरफ स्टेडियम का नाम है और एक तरफ खेल है और एक तरफ स्थान है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरह का, जैसे ईडन गार्डन से लेते हैं। ठीक है, तो ईडन गार्डन किस खेल से संबंधित है? ठीक, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है, इससे ये क्वेश्चन आ जाएगा। और इस फिर दूसरा बनेगा कि ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है, तो कोलकाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ईडन गार्डन है वो क्रिकेट के लिए, मतलब कि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और ये ईडन गार्डन मतलब जो है वो कोलकाता में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं और अगले सेकंड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और कहाँ स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है फिरोज शाह कोटला। ठीक है, फिरोज शाह कोटला इंपॉर्टेंट है। तो फिरोज शाह कोटला जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्रिकेट। और कहाँ स्थित है फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स फोर नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ फाइव नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइव नंबर दिया हुआ है वानखेड़े स्टेडियम। तो फ्रेंड्स वानखेड़े स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स सिक्स नंबर दिया हुआ है ब्रेबोर्न स्टेडियम। तो फ्रेंड्स जो ब्रेबोर्न स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है और ये मुंबई में ये भी है। ठीक है, चलते हैं और आगे। तो फ्रेंड्स वारावती स्टेडियम है। ठीक है, तो ये वारावती स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और ये जो है कटक में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स आगे दिया हुआ है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो इससे तो नाम से ही चल रहा है कि क्रिकेट से संबंधित है, तो ये तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो इसमें भी सिडनी, तो सिडनी में ही स्थित है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो क्रिकेट है तो ये क्रिकेट है, ठीक, और सिडनी है तो ये सिडनी में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है नाइन नंबर युवा भारती स्टेडियम। तो युवा भारती स्टेडियम जो है वो फुटबॉल के लिए, फुटबॉल से संबंधित है और ये जो युवा भारती स्टेडियम है वो कोलकाता में स्थित है। चलते हैं और आगे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स टेन नंबर दिया हुआ है ब्रुकलैंड। ठीक है, तो ब्रुकलैंड स्टेडियम जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है कहाँ अवस्थित है? तो इंग्लैंड में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स इलेवन नंबर दिया हुआ है अंबेडकर स्टेडियम। ठीक है, तो अंबेडकर स्टेडियम जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और ये जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। और आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, तो शिवाजी स्टेडियम जो है, तो फ्रेंड्स ये जो शिवाजी स्टेडियम है वो हॉकी से संबंधित है और ये स्थित है तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स थर्टीन नंबर दिया हुआ है नेशनल स्टेडियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेशनल स्टेडियम जो है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेशनल स्टेडियम हॉकी से संबंधित है। और फ्रेंड्स इसमें केयर करने वाली बात है कि नेशनल स्टेडियम जो है वो दोनों हॉकी से तो संबंधित है और ये एक दिल्ली में स्थित है और एक मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं और आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स फोर्टीन नंबर दिया हुआ है मेलबॉर्न स्टेडियम। ठीक है, तो मेलबॉर्न स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और फिर फिफ्टीन नंबर दिया हुआ है ध्यानचंद स्टेडियम। तो फ्रेंड्स ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो लखनऊ में स्थित है। और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स दिया हुआ है अंतिम सिक्सटीन नंबर मोइनुल हक स्टेडियम। तो मोइनुल हक स्टेडियम जो है वो पटना में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि मेलबॉर्न स्टेडियम किस खेल के लिए संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।